मंत्रों की ताकत से कौन अनजान है? आज मैं बता रहा हूं, ये पावरफुल मंत्र आपके प्यार को खींच कर लाएगा जबरदस्ती। ये पावरफुल मंत्र तुम्हारे रिश्ते को जबरदस्ती ठीक कर देगा। ये पावरफुल मंत्र आपके रिलेशनशिप को हर हाल में ठीक करने की क्षमता रखता है। ये पावरफुल मंत्र हर परिस्थिति में तुम्हारा काम करने में सक्षम है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं LWA बात बन जाए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहां रिश्तों को बाखूबी समझा जाता है। रिश्तों के तारतम्य को, रिश्तों की गहराई को, रिश्तों की नाजुकता को बाखूबी समझकर आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान। शादी मनचाही करनी हो, शादी हो नहीं रही हो, शादी के बाद कोई दिक्कत आ रही हो, या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा आपको उसमें मदद करती है। अब आज हम आपको इससे इतर हटकर बात बता रहे हैं। ये काम पिछले 20-21 सालों से हमारे यहाँ चल रहा है और 20-21 सालों में 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है, सब बेहतर तरीके से चल रहा है और जीवन आपको उत्कृष्ट बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए जाना जाने वाला काम है। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है। YouTube पर ओपन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इस परिवार में, इस कुटुंब में 1 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं। यह सफलता दोनों पक्षों की है, एक हमारी और एक तुम्हारी। यहां पर सच्चे प्रेमी हैं, वास्तविक प्रेम में लोग हैं। ये प्रेम समुदाय है, ये प्रेम पत्र की व्यवस्था है, ये शायद विवाह के पहले और विवाह के बाद को ठीक करने का संपूर्ण साधन है। यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। रिसर्च करने के लिए 4,000 लोगों की टीम है और सब पूरी तरीकनिकली तरीके से, सिस्टमेटिकली आपके जिताने के लिए पूरा संयोग बनाया जाता है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। मंत्र इतनी असीम शक्ति रखते हैं, कहते हैं जब शब्दों का सही समावेश हो, शब्दों का सही तारतम्य हो, तो वो मंत्र का समूह बनता है। कई सारे शब्दों का समूह एक मंत्र का निर्माण करता है। जैसे वही तार, वही वायर लगा करके एसी बनाया जाता है और वही वायर, वही तार लगा के हीटर बनाया जाता है। एक पानी गर्म करता है, दूसरा सब कुछ ठंडा करता है। जैसे फ्रिज में बर्फ बनती है, वैसे हीटर से पानी गर्म होता है, गीजर में पानी गर्म होता है। दोनों में बिजली का प्रयोग ही हो रहा है। दोनों के अंदर काट कर देखो तो कुछ वायर ही लगे हुए हैं। जितनी भी वो प्लेट्स लगी हैं, वो सब लोहे की हैं और उसके ऊपर कुछ वायर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मशीन को समझना बिल्कुल असंभव है, वैसे ही मंत्र का पूरा विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए वेद कहता है जपा सिद्धिर न संशया। ये बच्चों, ये वो विधा विज्ञान है, ये वो साइंस है जिसमें सब बेकार लगता है। ये वो समूह है शब्दों का जो भगवान बन जाता है, क्योंकि मंत्र
महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के मेटत कठिन। छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े कठिन से कठिन कुवंक जो तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में, लक में, प्रारब्ध में लिख दिए गए उनको काटने की क्षमता रखते हैं, आज वही शब्दों के समूह को आपके पक्ष में रख करके एक अद्भुत मंत्र बता रहा हूं जो तुम बोल सकते हो। भगवान शिव ने आपके लिए अद्भुत मंत्रों का समावेश किया है। मंत्र वो ताकत रखते हैं कि देवताओं को भी जमीन पर ले आए। मंत्र वो ताकत रखते हैं जिससे कुछ भी किया जा सके। तिब्बत में जिन लोगों ने तिब्बती तंत्र को समझा होगा तो आपको पता होगा मलोरेपा और लोपा, ये दो लोगों का संवाद पढ़ना चाहिए आपको। इनके संवाद में पता चलता है कि इनके जीवन में तंत्र का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा और तंत्र को किस स्तर पर जाकर के उन्होंने तिब्बत में स्थापित किया और कई सारी भाषाओं में, खास तौर से तिब्बत में कई सारे ग्रंथ लिखे इन लोगों ने। और उस तंत्र को, उस मंत्र को, उस विज्ञान को समझना चाहिए। मलोरेपा ने अपने चाचा और अपने चचेरे वंश को समाप्त करने के लिए तंत्र से बर्फ की बारिश की और ओले गिराए जाने क्या क्या किया और उसके सबके प्रमाण स्थापित हैं। तिब्बतियन में इन सब चीजों की बड़ी मान्यता है। लेकिन जब उनके पूर्व काल में जाएं तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है इस बात को कि ये सब कुछ हम भारत गए और भारत से हम लेकर के आए, वहां के बहुत सारे ऋषियों से मिले और उनसे ये ज्ञान स्थापित किया। तिब्बत में एक बड़ा तंत्र है जिसको थम बोलते हैं। धम्ब, ये तो धम्ब की शिक्षा है, वो सबको नहीं आती। धम्ब की शिक्षा सीखने के लिए मलोरेपा ने पूरे के पूरे 18 साल अपने गुरु की सेवा की। आपको तो 18 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी विधा, पूरी की पूरी परंपरा मिलने वाली है। ये आज का विज्ञान, ये आज का साइंस आपके लिए इतना अद्भुत चमत्कारी है। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कोई भी मंत्र काम कब करता है? जब वो सिद्ध हो जाए, जब आपके लिए वो जागृत हो जाए, जब उसकी शक्ति, एनर्जी, पावर सीधा कनेक्ट हो जाए तब वो काम करता है। वरना तो कोई मंत्र बेकार है। मंत्र तो शब्दावली है एक तरीके की, लेकिन अगर गुरुमुख से है, अगर वो आदेशित है तो डेफिनेटली काम करेगा। इतना सरल आज मंत्र बता रहा हूं, इतना सामान्य मंत्र बता रहा हूं, बच्चों ध्यान से समझना। धन इस बात को पूरे के पूरे अपने जहन में बचा कर रख लेना कि आज का ज्ञान, आज का ध्यान तुम्हें 100% जागृत करेगा और तुम्हारे सच्चे प्यार को तुम्हारे हाथ में करेगा। पूरा विश्लेषण तुम्हारे सामने दे रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपसे जुड़े हुए मुझे 4.5 महीने हो गए और बहुत परेशानी में थी मैं। मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, पर जब आपसे पूजा करवाई आपके वहाँ पे, तो एक हफ्ते बाद से ही मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगा। धीरे धीरे मैं रोने कम लगी, मेंटली जो मेरी प्रॉब्लम थी थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस करने लगी, थोड़ा खुश रहने लगी। मैं जितना भी रोती थी फिर आपको याद करती थी कि नहीं, गुरुजी बोले नहीं रोना है, तो मैं फिर नहीं रोती थी। उसके बाद मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। और जिसके लिए मैंने पूजा करवाए थे गुरुजी, वो तो बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन कल मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ गुरुजी जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ था। उस इंसान को मैंने सारा जीवन किया, 10-11 साल हम लोग का रिलेशन हो गया है एक साथ रहते हुए। मैंने बहुत कुछ किया अपने आप को, मैंने बहुत कुछ किया अपने तरफ से, मेरे को लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया। और कल उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जो शायद मुझे लगता है ना कि मैंने जो किया शायद कम था या क्या, लेकिन ये जो भी हुआ गुरुजी आपके आशीर्वाद के बिना कभी नहीं हो सकता था। मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी, मैं सोच नहीं सकती हूँ। मैं कल रात में ही आपको, मतलब मेरा बस चल रहा था कि मैं कैसे आपको बताऊँ, कैसे आपको फोन करूँ, मैसेज करूँ, क्या करूँ। मैं इतनी खुश थी,
और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। आपसे जुड़ने के बाद मेरे फैमिली में भी बहुत कुछ अच्छा हो गया है, अच्छा हो रहा है। मैं बहुत तनाव में थी, बहुत कर्ज में थी, धीरे 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 कम हो रहा है। मेरा कुछ काम है गुरुजी, वो हो गया है। और होने के बाद गुरुजी मुझे ना कहीं से भी, पास से दूर से, मतलब ये नहीं, आपको देखना है, आपके चरण छूने हैं। मैं जानती हूँ मेरे भाग में ये शायद नहीं है, बट मैं कोशिश तो जरूर करूँगी गुरुजी। मेरे पास पैसे होने के बाद मैं आपके चरण जरूर छूना चाहूँगी, क्योंकि अभी उतना दूर जाने का तो थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को, लेकिन मैं जरूर जाना चाहती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। और मैं सुबह जब भगवान का पूजा करती हूँ गुरुजी, भगवान को, भोलेनाथ को प्रणाम करती हूँ, तो मैं आपको याद करके, आपको याद करने के बाद आपका ध्यान करके मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। शायद थैंक यू बोलने से आपका एहसान कभी भी लाइफ में कभी भी मैं नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे फैमिली पे ऐसे ही बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आप पूरी निश्चिंतता के साथ इस बात को समझें कि आपको जो भी प्राप्त हो रहा है इसमें आपका अपना बल, धर्म, अध्यात्म और आपकी श्रद्धा और विश्वास है। इन सब चीजों के बगैर, कुछ भी संभव नहीं हो पाता। जब आप इन सब चीजों के अधीनस्थ होकर आगे बढ़ते हैं तो सब होने लगता है। श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता, गुरु के प्रति एक सम्मान, क्योंकि गुरु ही तो है जो बांधता है आपको परमात्मा के साथ। ईश्वर डायरेक्ट कभी कुछ नहीं देता, जब देता है गुरु के माध्यम से देता है। बहुत शुक्रिया, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो गिफ्ट की परंपरा है ना, ये उन सब लोगों के जीवन में हुई होगी जिन्होंने यहां से लाभ पाया है। गिफ्ट मिलना, खुशियां मिलना, चकि ददाति प्रतिगृहणाति नान्यते सा प्रसीदति। जब तुम देना जानते हो तो तुम्हें लेना भी आना चाहिए, और सामने वाला तुम्हें नहीं दे ये संभव नहीं है, ये हम होने नहीं देंगे, उसे भी देना पड़ेगा। थोड़ा हठ योग है हमारा, हम ये कह सकते हैं, तुम मत कहना कभी, हम बनाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। खैर, बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा तुम्हारा। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा जाप, एक ऐसा विधान जिससे तुम्हारा प्यार तुम्हारा ही होगा, जिससे तुम्हारे रिश्ते तत्काल ठीक हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप स्थापित होगा, जिससे तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक होना ही है, कोई संदेह नहीं इस बात में। तुमने जो भी दुख उठाए हैं, तुमने जो भी तकलीफें उठाई हैं, अब उसका अंत है, लेकिन बहुत ध्यान से, तुम्हें भी ठीक होना है। जब तक तुम इस मंत्र पर काम नहीं करते, तुम्हें भी ठीक होना है। और वो सब चीजें, अपने आप को आशीर्वाद देकर सोना, सुबह उठकर आशीर्वाद देना, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है, ये सब चीजें जो हमने बताई है ना पहले, उन सब चीजों पर जब काम करोगे तभी ही ये उपाय काम करेंगे तुम्हारे साथ। लोग कहते हैं ना, दो दो महीने हो गए, तीन तीन महीने हो गए, चार चार महीने हो गए, कोई कहता है 15 दिन में काम हो गया, कोई कहता है 1 हफ्ते में हो गया, ये सब वही चक्र है। जितनी जल्दी उस चक्र को आप कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी आप जीत जाएंगे, आपका ड्यूटी है ये सब। समझो, पूरी विधा समझो जो हमने इतने दिनों में बताई है। एक ही दिन में आप महामहोपाध्याय नहीं हो पाएंगे, एक ही दिन में बहुत बड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको रात्रि से लेकर के सुबह तक, जब आप सोते हैं, जब आप लेट जाते हैं, सीधा लेट जाइए, अब लेटते ही शुरू कर दीजिए। बीच बीच में जब भी आँख खुले, रात भर में आप बोलते रहिएगा चुपचाप, और सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दीजिएगा। नहाने के पहले तक, बाथरूम जाने के पहले तक, जो भी इधर उधर टहलना, उठना, बैठना है, आपको इस मंत्र को मन ही मन बोलते रहना है। और जब भी आज लेटने जाएंगे तो इस संकल्प को करके लेटेंगे कि मुझे मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, मेरा परिवार, मेरा घर,
जिसे भी आप ठीक करना चाहते हैं उसके लिए संकल्प करिएगा मन ही मन कि मुझे ऐसी आवश्यकता है और शक्तियों मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ मुझे इसका लाभ पहुँचे। अब वो मंत्र बता रहा हूँ, कोई विधि नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, किसी प्रकार का कोई इधर उधर का कोई मतलब नहीं है। ये साबर मंत्र है। साबर कहते हैं जब शालीनता से वर्ण किया जाए, जिस चीज का वर्ण और जिस चीज की सिद्धि हो जाए उसे कहते हैं साबर। साबर कहते हैं, शा एक शब्द है और वर का मतलब होता है शब्दों से पावर मिलना, शब्दों से खुशियां मिलना, शब्दों से सिद्धि मिलना और सरल शब्दों से मंत्र बनाना साबर का बेसिक प्रयोग है। अब वो मंत्र बता रहा हूं, आपको बोलना है अपने मन में पहले संकल्प जरूर करिएगा फिर ये मंत्र बोलिएगा। मोहि टेरत टेरत देर भई, मोरी शक्ति विलंब कहाँ करती हो। क्या कहना है? मोहि टेरत टेरत देर भई, मोरी शक्ति विलंब कहाँ करती हो। सिद्धि प्रदान करो देवी, सिद्धि प्रदान करो देवी, चरणों में प्रणाम तुम्हें करती हूँ या करता हूँ। मोहि टेरत टेरत देर भई, ऐ शक्ति विलंब कहाँ करती हो। ऐसा इस मंत्र का जाप है। इसे बहुत मनन के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये प्योर हिंदी है, आप कोई भी बोल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रहे, इस मंत्र को लिख के नहीं पढ़ना है। इस मंत्र को लिखते ही ये मंत्र अधूरा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। साबर के मामले में सबसे पहला नियम है कि इस मंत्र को लिख कर नहीं रखना है, याद करके बोलना है। तो याद कर लीजिए और फिर रात्रि में इसका प्रयोग कीजिए। सुबह स्नान करने के बाद एक अध्याय पूरा हो जाता है, फिर इंतजार कीजिए काम होने का। नहीं होता है तो 3 दिन के बाद फिर से बोल सकते हैं। एक अर्धाली 3 दिन से ज़्यादा नहीं जाती, मतलब एक बार आपने रात में शुरू किया, स्नान के पहले तक बोला, यानी बाथरूम जाने के पहले तक बोला, अब स्नान करने के बाद आप दोबारा 3 दिन बाद ही बोलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्तियां हैं इसमें। तो अतिशय ना हो जाए इसलिए 3 दिन के पहले मत बोलिएगा। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग करें, सकारात्मक चीज़ों के लिए करें, किसी का कोई खराब करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें, इसलिए इसे केलित किया गया है। गलत भावना से किया हुआ प्रयोग किसी भी रूप में फलदायी नहीं होगा। तो खुश होइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, जितना हो सके सकारात्मक रहिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, सिर्फ अपना ख्याल रखना है। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।